नजीबाबाद के मोहल्ला शामली SDM स्कूल के पीछे सैनी बस्ती में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर पर भूमाफियाओं ने होली से सादगार करके अपना कब्जा कर लिया। बस्ती वालों का कहना है कि लगभग 50 वर्ष से हम यहां पर पूजा अर्चना कर दिया रही हैं, परंतु 23 अप्रैल को महेश सैनी, रिंकू सैनी व इनकी माता मिथिली सैनी द्वारा मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया था। जब बस्ती वाले विशाखी शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए ताला खुलवाने के लिए बोला तो उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। पूजा की थाली हाथ से लेकर फेंक दी और मार पिटाई करने लगे और उल्टा बस्ती वालों के खिलाफ थाने में जाकर प्रार्थना पत्र दे दिया। बस्ती वालों ने SDM व क्षेत्राधिकारी को इस प्रकरण की पूरी जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इनकी जांच कराएंगे। मोहल्ले वालों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है। अम्मा जी, यहाँ पर क्या हुआ, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है, कोई मंदिर का मसला क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ बताएंगे आप? मंदिर में दीवा जलाना गए थे जी, आज शिवरात्रि का हुआ था जी, तो इसलिए गए मंदिर में। भाई सब बहुत ही होल करे कि ताला खोल दो, ताला खोल, इन्होंने नहीं खोले, तो जब हम गए। अच्छा, अंदर गए यहाँ मंदिर में, क्या मसला है मंदिर, क्या इनका है जिन्होंने ताला लगा रखा था? सभी का है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है क्या? बस नहीं, यो घेर की जगह पहले से ही, क्या करते पता नहीं इन्होंने क्या गड़बड़ करी पहले से, पर 50 साल से ये मंदिर है यहाँ। इससे पहले भी पूजा पाठ करते थे लोग बाग यहाँ पर? पहले पूजा पाठ करते थे। अच्छा, साल मुझे हो गए। मैम आपका नाम? मैं नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से जी। क्या कहना चाहेंगे आप? 30 साल तो मुझे हो गए पूजा करते हुए और 70 साल इन्हें हो गए पूजा करते हुए। हम लोग लगातार पूजा करते हैं और जो इनके कागजों में जमीन है वो इन्होंने बेच दी। ये जमीन मंदिर की है जी। और मंदिर के भी इन्होंने घेराबंदी करके ताला लगा रखा है। पूजा पाठ नहीं करने देते? पूजा पाठ नहीं करने देते, अपना ताला लगा दे, ताला लगा हुआ सामने दिखाई दे रही आप। हम ये चाहते हैं, हमें किसी को जमीन नहीं चाहिए, हमें अपने पूजा का दरबार खुला हुआ चाहिए, मंदिर का ताला नहीं चाहिए। अब कब से कितना टाइमिंग हो गया जो पूजा पाठ नहीं करने देते ये लोग? हो गया पूरा 8 दिन हो गए हैं, यानी कि एक हफ्ते से इन्होंने बंद कर दिया। एक हफ्ते से इन्होंने बंद कर रखा है। पहले साल हफ्ते से तो आप लोगों ने इनसे बोला मंदिर खोलने के लिए? रोज कहते हैं कि ताला खोल दो, इन्होंने मना कर दिया कि टांगे काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन मंदिर का ताला नहीं देंगे। कौन कौन है जो मारने छेतने की बात करते हैं इसमें? महेश है, रिंकू है, मिथिलेश है, किरण है, वो है उसके लड़का मनु, अंतु, मारने की धमकी देते हैं, सब मारने की। मैंने सुना मैम अभी कुछ किसी लड़कियों को भी मारने को चढ़े, वो लोग कौन कौन थे वो? ये मेरे ऊपर हाथ पड़ा उन्होंने, मेरी पूजा की प्लेट भी गिरा दी नीचे, सब सामान। आप पूजा करने गई थी वहाँ पर? करने जा रहे थे हाँ। तो क्या बोले वो लोग? उन्होंने मतलब आए वो भाग के और मेरी पूजा के उस पर थाली पे हाथ मार दिया, मुझे पूजा करने नहीं दे रहे थे और प्लेट गिरा दी, सारा पूजा का सामान गिरा दिया और ऊपर से मारने के लिए धमकी दे रहे थे। जाने का कौन कौन थे मारने वाले? किरण और मिथिलेश और रिंकू। रिंकू रिंकू कौन है ये? रिंकू इनका लड़का है, मिथिलेश सैनी का। अच्छा हाँ, तो कहा कि इनकी गांड में सरिया डाल दो, इतनी गंदी गंदी गाल दे रहे थे ये लोग बोल रहे थे। हाँ, ये बोल रहे थे बिल्कुल। अब आप लोग क्या चाहेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं, बस मंदिर खुला रहा है और हम पूजा करते रहे, हमें मंदिर की जगह चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए जी। और इनके घर में से इनके पापा का नाम क्या है जो मारने की धमकी देते हैं? महेश शंकर के लड़के हैं, शंकर के लड़के हैं। तो आप सब एकजुट होके पूजा पाठ चाहते हैं केवल? कुछ तो वजह होगी जो हम इतने सारे खड़े हैं। मैडम यहाँ पर पुलिस आई थी, जो मंदिर का जो आपका वो विषय चल रहा था, तो उसमें पुलिस आई थी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? जी हमारे चौकी इंचार्ज सत्येंद्र पुनिया जी आए थे जी, तो उन्होंने पहले तो हमें खूब डांटा, मतलब कि आपने ये क्या करा, क्यों पूजा करी, हम पूजा करते। और मैंने कही कि भाई आज तो महाशिवरात्रि है, हमें तो पूजा करनी थी, हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी ताला खोल दो, ताला खोल दो, इन्होंने नहीं खोला। तो उस पर सत्येंद्र पुनिया जी ने ये कहा और अंकित जी थे कि यही मंदिर मिला क्या आपको पूजा करने के लिए, आप दूसरे मंदिर में नहीं जा सकते क्या? ये किन के वर्ड थे? ये सत्येंद्र पुनिया जी के और अंकित जी के, जो चौकी प्रभारी जी हैं जी, जी, जी। हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं। अच्छा, आपको बोला? जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा। मैम पुलिस ने क्या क्या बात हुई पुलिस से आपकी? ये बस उन्होंने यही कहा है कि आपने ताला क्यों तोड़ा जो हम मना करके गए थे, और उसके बाद में हमने कहा कि हमने ताला तोड़ने खोलने के लिए उनसे कहा था, तो उन्होंने नहीं खोला, तो उसके बाद में उन्होंने गाली गलौज की हमारे साथ बहुत, उसके बाद में हमने ताला तोड़ा, उन्होंने नहीं खोल कर दिया बिल्कुल भी। मैंने सुना है कि इसमें किसी बच्ची के कुंडल वगैरह भी खींचे गए। हाँ जी, उनका कुंडल निकल गया है, उन्होंने हाथापाई करी थी मनु ने उसके साथ और गंदी नजरों। तो उस बच्ची का नाम क्या है जिसके कुंडल वगैरह लिख लिया है? आरती सैनी आरती सैनी जी। और मेरे साथ तो उन्होंने हाथापाई करी, मेरी पूजा की प्लेट भी गिर।
पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया और ऊपर से हमें डांट के चले गए कि आपको यही मंदिर मिला है, कहीं और भी पूजा कर सकते हैं। दोबारा उन्होंने ताला लगवा दिया, दोबारा उन्होंने उन्हीं का ताला लगवाया। हमने कहा था कि या तो हमारा भी ताला लगाओ, पर उन्होंने उन्हीं का ताला लगवाया।